पाठ 17 मुहावरे idioms देखिए पढ़िए और समझिए। क ताजमहल की सुंदरता देखकर मालती आश्चर्यचकित रह गई। ख ताजमहल की सुंदरता देखकर मालती ने दांतों तले उंगली दबा ली। क शेर को देखते ही रामू घबरा गया। ख शेर को देखते ही राम के हाथ पांव फूल गए। प्रत्येक चित्र के नीचे लिखे दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, किंतु दूसरे वाक्य में कुछ शब्दों के प्रयोग से वाक्य के सौंदर्य और प्रभाव में कितना अंतर आ गया है। आश्चर्यचकित रह गई के स्थान पर दांतों तले उंगली दबा ली और घबरा गया के स्थान पर हाथ पांव फूल गए शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य सुंदर और सजीव बन गए हैं। इस प्रकार के वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का विशेष अर्थ होता है, इनका प्रयोग हमारी बात को और अधिक अर्थपूर्ण बना देता है, भाषा में जान डाल देता है। वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरा कहते हैं। यहाँ कुछ मुहावरे उनके अर्थ व उनका वाक्यों में प्रयोग दिया जा रहा है, उन्हें पढ़िए और समझिए। एक, अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना। वाक्य, सेठ जी ने मंदिर बनवाने के लिए 5000 रुपए देने को कहा था, पर जब मांगने गए तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि काम ना करना। वाक्य, वीरेंद्र की अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो उसने उस अजनबी पर विश्वास कर लिया। तीन, आंख लगना, नींद आ जाना। वाक्य, माँ की आंख लगते ही पप्पू उठकर खेलने भाग गया। चार, आंखों में चमक आना, खुश होना। वाक्य, हीरा देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। पांच, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। वाक्य, आजकल की इमारतें तो आकाश से बातें करती हैं। छह, आंखें खुलना, होश आना, भूल का एहसास होना। वाक्य, दिनेश बिल्कुल पढ़ता नहीं था, परीक्षा में फेल हो गया, पर अब उसकी आंखें खुल गई है। सात, कमर कसना, तैयार होना। वाक्य, प्रतियोगिता सिर पर है, प्रदीप कमर कसकर मैदान में उतर पड़ा है। आठ, पीठ दिखाना, हार मानकर भाग जाना। वाक्य, हिंदुस्तानी सिपाही युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते। नौ, फूला ना समाना, बहुत खुश होना। वाक्य, बेटी की जीत का समाचार सुनकर पिताजी फूले ना समा रहे थे। दस, आस्तीन का सांप, धोखेबाज। वाक्य, पिताजी रामू काका पर कितना विश्वास करते थे, पर काका तो आस्तीन का सांप निकले, धीरे धीरे सारा पैसा अपने नाम करा लिया। 11, मक्खी मारना, कुछ काम न करना। वाक्य, पढ़ाई छोड़ देने के बाद सतीश दिन भर बैठा मक्खियां मारता रहता है। 12, आग बबूला होना, गुस्सा होना। वाक्य, सारिका की अंक तालिका देखकर माँ आग बबूला हो गई। 13, प्राण सूख जाना, बहुत डर जाना। वाक्य, कमरे में सांप को देखते ही वीणा के प्राण सूख गए। 14, नानी याद आना, संकट में पड़कर घबरा जाना। वाक्य, बिल्ली को देखते ही चूहों को नानी याद आ गई। 15, चिकना घड़ा, जिस पर कोई असर ना हो। वाक्य, उदय तो चिकना घड़ा है, कितना मना किया, सुपारी खाना नहीं छोड़ता। 16, हाथ फैलाना, भीख मांगना। वाक्य, किसी के आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा है कि भूखे रहो। 17, दांत खट्टे होना, हरा देना। वाक्य, भारतीय सैनिकों ने कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी सिपाहियों के दांत खट्टे कर दिए। 18, 9-2-11 होना, भाग जाना। वाक्य, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। 19, नाक में दम करना, तंग करना। वाक्य, चिंटू बहुत शरारती है, उसने उधम मचा मचा कर सबकी नाक में दम कर रखा है। 20, आकाश पाताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना। वाक्य, आज़ादी पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने आकाश पाताल एक कर दिया। हमने सीखा, मुहावरे विशेष कथन होते हैं, ये वाक्य के अंश हिस्सा होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है।